एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? तो आज है संडे, ये व्लॉग है संडे का और ये मैंने आज सुबह से ही शुरू कर दिया है। सुबह से भी नहीं कहूँगी क्योंकि ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और आज संडे नहीं लग रहा है मुझे क्योंकि ये ऑफिस जा रहे हैं, आज भी इनकी छुट्टी नहीं है। तो इसलिए मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट लंच इनका सब तैयार कर रही हूँ यहाँ पर, और आज कुछ भी नहीं बना रही ज़्यादा क्योंकि ध्यान ही नहीं रहा मुझे कि आज ये ऑफिस जाने वाले हैं। मैं बना रही हूँ, बस आलू फ्राई कर रही हूँ। आलू बॉयल करके पहले ही रख लिए थे मैंने, तो यहाँ तेल गरम हो गया है। अब मैंने इसमें डाल लिया है 1 चम्मच जीरा। जीरा होने के बाद अब उसमें डाल लूँगी मैं प्याज, 2 प्याज चॉप करके रखी हुई है मैंने। प्याज थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ, तो यहाँ हल्का सा प्याज को भूनने के बाद अब उसमें डालूंगी मैं सूखे मसाले। प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना है और मैंने लहसुन अदरक कुछ भी नहीं डाला है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं लेकिन मैं बहुत ही सिंपल बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने 3-4 हरी मिर्च काट के रखी हैं, वो डाल लूँगी मैं। थोड़ा सा उनको भूनना है, हल्का सा ही। हरी मिर्च का फ्लेवर इसके अंदर बहुत अच्छा आता है, लाल में बहुत ही कम डालूँगी। तो देखिए ये मिर्च मैंने डाल ली हैं, काट कर पहले ही रख ली थी। अब इनको हल्का सा होने के बाद अब मैं इसमें डाल लूँगी 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। तो अब इसको मिक्स करने के बाद अब मैं डालूँगी इसमें आलू जो मैंने पीस पीस करके काट लिए हैं इस तरह से। टमाटर डालना चाहे टमाटर भी डाल सकते हैं लेकिन मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ और इस रेसिपी में मैं टमाटर नहीं डालती हूँ। ये इसी तरह बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। जो इसका प्याज का क्रंची है थोड़ा सा प्याज इसमें, जो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इसमें, इसीलिए प्याज को थोड़ा हल्का भूना है मैंने। तो यहाँ अच्छे से मसाले मिक्स करने के बाद अब इसमें डाल दूँगी मैं टेस्ट के हिसाब से नमक, और 1/2 चम्मच डाला है मैंने इसमें अमचूर पाउडर थोड़ा खटास के लिए, थोड़ा सा डाला है गर्म मसाला। अमचूर पाउडर की जगह आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा खटास चाहिए, टमाटर नहीं गए हैं इसमें इसलिए। और ये चटपटी सी बहुत ही सिंपल रेसिपी, बहुत ही टेस्टी आलू लगते हैं ये, आप बनाकर ज़रूर देखना एक बार और फिर मुझे बताना कि कैसी लगी ये रेसिपी। और इसे बनाने में कुछ भी टाइम नहीं लगता, बहुत ही जल्दी बन जाती है। जब कुछ भी हमें समझ ना आए कि सब्ज़ी खाते हुए बोर हो गए हैं तो ये बहुत ही अलग सी सब्ज़ी बन जाती है हमारी और टाइम इसमें कुछ भी नहीं लगता। तो देखिए अच्छे से इसको इस तरह मिक्स कर लूँगी मैं। देखिए यहाँ मैंने कढ़ाई को टेढ़ा कर रखा है क्योंकि इससे अच्छे से मैश नहीं, मतलब मिक्स नहीं हो रहा था अच्छे से। तो यहाँ थोड़ी सी कसर सी मुझे और लग रही है इसमें, थोड़ा सा और भूनना है मुझे। तो देखिए थोड़ी सी देर बाद मैंने फिर इसको देख लिया है और अब कितनी अच्छी सब्ज़ी बन गई है, एकदम तैयार है। अब इसमें डाल दूँगी मैं हरा धनिया और ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी है, बार बार कह रही हूँ, ये मत सोचना कि इसकी तारीफ़ ज़्यादा ही कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है, बच्चों को भी बहुत पसंद है, ये मेरे घर में सबको पसंद है। तो अब डाल देंगे इसके ऊपर हरा धनिया और टेस्टी सी ये सब्ज़ी हमारी बिल्कुल तैयार है। आप रोटी के साथ, पराठे के साथ चाहे इसको जैसे भी खा सकते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो मैं रोटी पराठे दोनों ही बनाने वाली हूँ क्योंकि ये रोटी खाएँगे बच्चे और पापा, सब पराठे खाएँगे। तो देखिए यहाँ इनकी तैयारी हो रही है जाने की, ये तैयार हो गए हैं और मैं इनका लंच वगैरह रख रही हूँ। फ्रूट रख दिए हैं इनके, पपीता मैंने काट कर रखा है और एप्पल मैंने ऐसे ही रख दिया है, उसको ये वहीं पर कटवा लेंगे। तो यहाँ तैयारी हो चुकी है और बाहर आज बहुत अच्छी, 3 दिन बाद धूप निकली है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है बाहर और ठंड हो गई है दोबारा से क्योंकि पिछले हफ्ते ठंड ख़त्म हो गई थी बिल्कुल, सारे कपड़े उठाकर रख दिए थे और कल से मुझे फिर से शॉल निकालना पड़ा। और ये इनका कुछ सामान लेकर जा रहे हैं साथ में तो वो भी रखना है। अब मैं इनको छोड़कर आती हूँ बाहर, बाय बाय बोल के, और फिर बाकी सबका नाश्ता बनाऊँगी। इन्होंने तो रोटी ही खाई है, रोटी ही ये लेकर जा रहे हैं क्योंकि ये ऑयली कम ही खाते हैं। अब मैं सबके लिए पराठे बनाऊंगी और आलू के साथ मैंने इनकी दाल बना दी थी, ज़्यादातर इनकी दाल ही बनाती हूँ मैं क्योंकि आलू भी अवॉइड ही करते हैं, आलू की सब्ज़ी ये कम खाते हैं डायबिटीज़ के लिए, और चावल भी नहीं खाते उतना, तो इसलिए सिंपल सा ही लंच लेकर अपना जाते हैं, बस दाल सब्ज़ी और दही।
तो आज मैंने दाल बनाई है आलू के साथ, क्योंकि दही नहीं ले रहे हैं, इनको थोड़ा सा नज़ला हो रहा है इस वजह से दही नहीं खाएंगे। देखिए बाहर कितनी अच्छी धूप हो रही है, 9 बज रहे हैं, 9 बजे ही निकल रहे हैं आज, ये थोड़ा लेट हो गए, नहीं तो 9:45 पर निकलते हैं, 15 मिनट लगते हैं इनको ऑफिस जाने में। और जब मैं इनको छोड़ने बाहर आती हूँ तो इधर उधर भी देख लेती हूँ, बाहर बहुत अच्छा हो रहा है आज मौसम, मतलब बहुत अच्छी सी धूप निकली है एकदम चटक सी। तो सबका नाश्ता हो गया है, नाश्ते के बाद आ गई हूँ मैं बाहर, अभी काम कुछ भी नहीं हुआ है, बस खाली नाश्ते के बाद ही, क्योंकि मुझे सर में तेल लगाना है, और तेल मैं रात भी लगा लेती, या तो रात को लगाती हूँ या फिर 2-3 घंटे धोने से पहले लगा लेती हूँ, तो आज मुझे सर धोना है और अब मैं पहले तेल लगा रही हूँ, 10 बज गए हैं। तो यहाँ मैंने वही वाला तेल लिया है जो जेबरंडी बताया था मैंने अपने हेयर केयर रूटीन में, और एक विटामिन ई का कैप्सूल डाल लिया है, थोड़ा सा मैंने इसमें नींबू डाला है, नींबू का रस मतलब, और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, नहीं तो फिर नींबू का मतलब जो पानी है वो अलग रह जाएगा और तेल अलग, तो इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। बस अब मैं लगा लूँगी सर में अच्छे से तेल, इस तरह मांग निकाल निकाल कर बहुत अच्छे से लगा लेती हूँ मैं, मुझे नहीं कि भाई किसी दूसरे की ज़रूरत है, और अकेले आदमी है तो उन्हें खुद ही करना पड़ता है, नहीं तो जिसके घर में सास हैं या नंद हैं जो भी है मतलब उनसे लगवा लेते हैं, मांग निकाल निकाल कर अच्छे से भर जाता है फिर सर में तेल, लेकिन मैं अपने आप लगा लेती हूँ बहुत अच्छे से, और फिर 2-3 घंटे बाद मैं काम ख़त्म करके सर धो लूँगी, या तो रात में भी लगा सकते हैं या फिर 2-3 घंटे भी काफ़ी हो जाता है तेल। और इस बार तो मेरा 1 हफ्ते से तेल नहीं लगा है सर में, तो बस अब तेल लगाने के बाद सारा काम करूँगी, सारा काम पड़ा हुआ है, पोछा बर्तन, और आज बहुत सारे कपड़े धोने हैं, तो उसके बाद मिलती हूँ फिर आपसे। नाना धोना हो गया है और थोड़े से कपड़े बचे थे जिनको मैं अब फैला रही हूँ, ज़्यादा कपड़े तो मैंने आज ऊपर फैलाए हैं, बेडशीट, रजाइयों के कवर धोए हैं मैंने, तो बहुत सारे कपड़े थे, जो 2-4 बचे थे वो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी धूप आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, मैंने बाल बाद में ही खोलती हूँ, पहले 2-4 कपड़े हैं ये डाल देती हूँ, तो बस वही डाल रही हूँ, और अब बैठकर थोड़े से बाल सुखाती हूँ यहाँ पर। और आज मुझे दोपहर में लंच वगैरह कुछ भी नहीं बनाना, क्योंकि सुबह हैवी हो गया था और थोड़ा देर हो गई थी आज ब्रेकफास्ट में ही, तो अब तो ब्रेड वगैरह ही खाएंगे, कोई जिसको जैसे खानी है सेक दूंगी, या फिर कोई जैम से खा लेगा, कोई पीनट बटर तो अंश को अच्छा लगता है, श्रेय को जैम अच्छा लगता है, तो इस तरह से बस आज यही लंच होने वाला है। अब थोड़ा बाल सुखाने के बाद अंदर चलूंगी। तो अब थोड़ी देर के लिए बैठ गई हूँ मैं आपसे बातें करने के लिए, शाम के करीब 5 बजने वाले हैं, उसके बाद मैंने फिर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, वो मैंने आपको बता ही दिया था, क्योंकि लंच वगैरह आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया, तो बस यही चाय वगैरह दूध के साथ ब्रेड वगैरह ही खाई है, वो भी देर से खाई है आज, क्योंकि नाश्ता थोड़ा लेट हो गया था और हैवी हो जाता है संडे के दिन, संडे के दिन तो दोपहर में लंच कम, वैसे भी लंच तो कम ही बनता है मेरे यहाँ, मैंने आपको कई बार बता लिया है, नाश्ते में ज़रूरी बनती है सब्जी, क्योंकि ये लंच लेके जाते हैं, सबसे बड़ा मेन कारण ये है, तो फिर सब्जी तो बची रहती है, रोटी वगैरह सेकती हूँ मैं दोपहर को, लेकिन आज मैंने रोटी भी नहीं सेकी, अब शाम को देखती हूँ क्या बनाऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी जो भी बनाऊँगी, थोड़ा जल्दी बनने वाली चीज़ बनाऊँगी कुछ भी, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी उठना होता है, होली वाले दिन, दिवाली वाले दिन मुझे ससुराल जाएंगे, गाँव में जाते हैं हम दिए जलाने के लिए, त्यौहार पे, दिवाली पे भी, होली पे भी, ये हमारा सबसे ज़रूरी का काम होता है, होली दिवाली पे ये नहीं छोड़ते हम कभी भी दिए जलाने,
तो सुबह निकलेंगे जल्दी जल्दी, करीब 6-7 बजे इस टाइम भी हम तैयार हो जाएंगे, जल्दी से जल्दी ही निकलने की कोशिश करते हैं। और पापा जाएंगे, मेरी नंद जाएगी, मैं और ये जाएंगे। बच्चों का भी डिसाइड नहीं है कि एक जाएगा या नहीं जाएगा, या फिर दोनों भाई यहीं पे रहेंगे, ये अभी कुछ भी नहीं पता है। हो सकता है अंश चला जाए, फिर ये सोचती हूँ मैं कि श्रेय अकेला रह जाएगा, दोनों भाइयों का मन लगा रहता है इस तरह, क्योंकि आने में लंबा टाइम लग जाता है, शाम ही हो जाएगी आते आते। मैं मतलब पहले दिए जलाएंगे और फिर हमें दीदी के यहाँ जाना है, मतलब मेरी नंद के यहाँ भी हम त्यौहार पे जाते हैं, होली दिवाली हमारे यहाँ जैसे बोलते हैं, कोथली कोथली देने के लिए, कोथली बोलते हैं हमारे यहाँ, जैसे कुछ भी कह सकते हैं कि त्यौहार देने के लिए कुछ भी, मतलब वो जाते हैं हम। और मेरा भी भाई आता है वैसे, लेकिन मैंने इस बार मना कर दिया क्योंकि अकेला है, काम है बहुत, और मैं तो उधर जाती हूँ, वहीं पे मेरा मायका है, वहीं पे मेरी ससुराल है, तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन इस बार नहीं जा रही। टाइम नहीं लगता इतना क्योंकि दीदी के होते हुए आना होता है, दिए जलाने में बहुत टाइम लग जाता है। मैं नहीं जा रही, मैं होली के बाद जाऊँगी, मैंने मम्मी को बोल दिया है कि मैं बाद में आऊँगी, और अपने भाई को बोल दिया कि आने की कोई ज़रूरत नहीं है अब। तो हमारे ये रिवाज है, इस तरह से होता ही है। मम्मी कह रही थी उसी दिन आ जा, उसी दिन आ जा, ले जाना अपना। हम मम्मी को तो सबको ये रहता है कि मम्मी मावा निकाल देती है, घी वगैरह तैयार रखती है, तो मैंने बोल दिया नहीं मम्मी मैं बाद में आऊँगी आराम से, बच्चों के पेपर चल रहे हैं दोनों के ही, बाद में भी है पहले भी है, तो मैंने चलो इनकी पढ़ाई भी हो जाएगी और आराम से ही चलती हूँ फिर, तो जाऊँगी फिर बाद में, मिलाऊँगी आपको अपने मायके वालों से। और आपसे बातें करते करते ना बीच में मेरी दुकान में कोई आ गया था, तो मुझे बाहर जाना पड़ा, देखिए सांस चढ़ रही है मुझे थकान सी हो रही है, दौड़ी दौड़ी बहुत जल्दी जल्दी करके आई हूँ, क्योंकि आपसे बातें कर रही थी, अधूरा रह गया था। तो यही होता है मेरे साथ, जब भी मैं बैठती हूँ तो कोई ना कोई आ ही जाता है, तभी बेल बजती है। और आज वुमेंस डे है, तो आप सभी को वुमेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन जब तक ये वीडियो आएगी तब तक वुमेंस डे जा चुका होगा, कल आएगी ये, आज संडे 8 तारीख का वुमेंस डे है इसलिए, लेकिन ये 9 में आएगी कल, होली वाले दिन, मतलब होलिका दहन वाले दिन। और हमारे जो दिए वगैरह जलते हैं ये दहन वाले दिन ही जलते हैं, जो होलिका दहन का दिन होता है, पूजा उस दिन ही होती है। वैसे जो खेलने वाली होली है वो तो अगले दिन है ही, सबके यहाँ तो होती है वो तो, लेकिन पूजने वाला मुझे नहीं पता कि किसके यहाँ होती है किसके यहाँ नहीं होती है। बताना आप, आपके यहाँ कौन सी होली होती है, किस तरह से मनाते हो आप, सब बताना मुझे। तो बस अब वही तैयारी कर रही हूँ, मुझे अब शाम को ही मैं पूजा के सामान की तैयारी करके रख लूँगी, जो भी मुझे लेके जाना है। नहीं क्या होता है ना, सुबह एक तो अकेली हूँ, चाय पानी भी बनाना होता है, पूजा नहाना, थोड़ा घर में त्यौहार है तो ऐसे भी नहीं छोड़ के जा सकती, थोड़ी साफ सफाई भी, तो इसलिए मैं शाम को ही रख लेती हूँ पूजा पाठ का सारा सामान तैयार करके, जैसे बत्ती घी जो जो भी प्रसाद जो भी हमें होता है, तो दिए सब इकट्ठे करके शाम को ही सामान निकाल लेती हूँ आराम से। और अपने पहनने के कपड़े, अपनी साड़ी, क्योंकि कल तो मुझे साड़ी पहननी है, वैसे भी टाइम लगता है सुबह साड़ी पहनने में, सुबह क्या साड़ी तो कभी भी पहनो जब भी टाइम लगता है, और मुझे तो इतना जल्दी तैयार होना है, तो बस वो सारी तैयारी मैं शाम को ही करके रख लेती हूँ आराम से। और आप लोग भी सोचते होंगे कि कभी ये साड़ी नहीं पहनती, या मतलब एक मुझे बड़ा अजीब लगता है, मेरे हाथों में आप रोज़ एक ही तरह की चूड़ियाँ देख रहे हैं, मैं ना कड़े वड़े कम पहनती हूँ, चूड़ियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, एक तो ये लाइट वेट होती हैं और थोड़ा हाथों में मेरे एलर्जी सी हो जाती है, मतलब दाने से निकल जाते हैं कड़े पहनने से। अब कड़े भी कई तरह के होते हैं, कोई सॉफ्ट कोई हार्ड, लेकिन मुझे ना भारी भारी से भी लगते हैं, तो इसलिए मुझे कड़े पहनना ज़्यादा पसंद नहीं है। चूड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, रेड चूड़ी ही पहनती हूँ हमेशा, रेड या मैरून, मैरून अब बहुत कम पहनती हूँ, पहले मैं मैरून पहनती थी, अब मुझे रेड ही अच्छी लगती हैं, देखिए इस तरह से। और ज़्यादातर मैं 2 या 4 चूड़ी ही पहनती हूँ, बस 4 भी मैंने अभी डाली हैं, 3-4 दिन पहले ही, उस दिन बोल रही थी मैं कहीं गई थी तो उस दिन डाली थी, किसी की डेथ हो गई थी तो वहाँ गई थी मैं उस दिन, बताना मैं भूल गई शायद उस दिन, तो बस उस दिन डाली थी मैंने 4-4 चूड़ी, क्योंकि ऐसी जगह तो ऐसे ही जाना पड़ता है, ऐसे नहीं कि भाई कोई सज धज के या कुछ भी जाओ, लेकिन 2-2 चूड़ियाँ रखती हूँ घर में, थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो बस अब देखते हैं थोड़ा सा शाम का। और मुझे ना आपके कमेंट बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप बहुत बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हो मुझे, बहुत अच्छे, मतलब इतना मन खुश होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती कितनी खुशी मिलती है मुझे आपके कमेंट देखकर। लेकिन अभी थोड़ा चल रहा है थोड़ा, तो प्लीज़ थोड़ा थोड़ा शेयर करो, थोड़ा सा बढ़ा दो मेरा चैनल, आप ही कर सकते हो, देखिए इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती, ये तो आप ही कर सकते हो मेरे लिए, और आपने इतना किया ये भी बहुत है मेरे लिए, तो मैंने तो इतना भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी इतना कुछ हो जाएगा।
तो बस ऐसे ही आप अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिएगा मुझे, और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा। और थ्रेडिंग कराने जाना था मुझे आज, लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। बताया ना मैंने, कपड़े आज बहुत सारे थे। पापा जाने वाले हैं गाँव, तो फिर वो वहीं पर रुकेंगे कुछ टाइम के लिए। ऐसा ही करते हैं हमें, जब भी होली दिवाली को जाते हैं ना, तो थोड़े दिन के लिए वहाँ रुक जाते हैं। तो आज मैंने उनकी सारी बेडशीट वगैरह, रजाई के कवर वगैरह सब धो दिए, बहुत ज़्यादा कपड़े थे, तो इसलिए मेरा टाइम ही निकल गया, जा नहीं पाई मैं। अब चली जाती तो अब तो शाम होने को है, बस मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही चल जाएगा काम। थ्रेडिंग भी नहीं हो पाई मेरी, ऐसा ही होता है मेरे साथ, ज़्यादा टाइम मुझे बिल्कुल भी नहीं मिलता। और जैसे कपड़े वपड़े निकालने हैं, इसमें हेल्प मेरे बच्चे कर देते हैं, मेरी बेटी भले ही ना हो मुझे, लेकिन मेरे बेटे बेटी की कमी पूरी करते हैं मेरी। साड़ी निकाल देंगे, बता देंगे कौन सी पहननी है कौन सी नहीं, तो इस तरह होता है। क्योंकि अकेले को ना कई बार टाइम भी नहीं मिलता, रात हो जाएगी इसी तरह भगदड़ में, अब कपड़े निकालने भूल जाऊंगी तो मैं बच्चों को बोल देती हूँ, तो निकाल देते हैं मेरे बेटे इस तरह। बताइएगा आप लोग भी किसके बच्चे करते हैं मेरे बच्चों की तरह हेल्प। और मैं तो यही कहूंगी कि हर बच्चे को अपने माँ बाप की हेल्प करनी चाहिए जितना उनसे हो सके, और माँ बाप को भी थोड़ा बच्चों को सिखाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई माँ बाप लगे रहो और बच्चे बैठे रहें, या फिर बच्चे क्या है कि इनका उधर उधर ही ध्यान भटकता है। जितना अपने पास लगा कर रखेंगे, मैं ये नहीं कह रही कि बच्चों की पढ़ाई छुड़वा दो, ऐसा कुछ भी नहीं है, पढ़ाई सबसे ज़रूरी होती है और मैं भी वही करती हूँ, लेकिन जो खाली टाइम है उसमें मैं थोड़ा बच्चों से हेल्प लेती हूँ, उन्हें काम सिखाती हूँ। और सिखाना बहुत ज़रूरी है, जैसा हम उनको सिखाएंगे ऐसा ही वो आगे जाकर करेंगे। जैसा वे मुझे देख रहे हैं काम करते हुए, उसी तरह मैं उन्हें सिखा रही हूँ, वो आगे इसी तरह करेंगे। और रही पढ़ने की बात, पढ़ने में मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मुझे मतलब इस तरह नहीं है कि वो पहले से ही ट्यूशन कर रहे हैं, मेरे बच्चे कभी ट्यूशन नहीं करते। सिर्फ 10th क्लास में मैंने श्रेय का ट्यूशन लगाया है अपने बड़े बेटे का, 9th तक कोई भी ट्यूशन नहीं था श्रेय का। और ऐसे ही वंश है, अंश 7th में है, जाने वाली है 7th, मतलब 8th में आने वाला है, श्रेय 11th में आने वाला है, लेकिन अंश का भी ट्यूशन नहीं लगेगा। जैसे श्रेय का लगाया है 10th क्लास में, ऐसे ही अंश का काम होगा। उसको तो हेल्प करने के लिए श्रेय भी है, मैथ वगैरह में जिस भी चीज़ में भी उसकी मतलब उसको ज़रूरत होती है तो वो हेल्प कर देगा, श्रेय की तो ये भी नहीं। और ज़्यादा टाइम मैं बच्चों को मतलब नहीं पढ़ाती, या उनके पापा, हम नहीं पढ़ाते बच्चों को, बच्चे मेरे खुद ही पढ़ते हैं पहले से ही। लेकिन हाँ, मैंने बच्चों को पूरा टाइम दिया है, उनके पास बैठती थी, बैठ कर मतलब बोलती थी बेटा पढ़ लो ये, जब तक पढ़ाया गया तब तक पढ़ाती भी थी। लेकिन बच्चे ऐसे नहीं पढ़ते कि मम्मी सो गई या उधर उधर चली गई और बच्चों को बोल दिया पढ़ लो, ऐसे बच्चे नहीं पढ़ते। बच्चों के पास बैठना पड़ता है, उन्हें टाइम देना पड़ता है, और वो मैंने किया। तो इस तरह से है मेरे बच्चे। बताइएगा मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप भी बताइएगा मुझे। तो बस चलिए, बातें तो बहुत हो गई, अब किचन में मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, क्योंकि शाम ही हो गई है धीरे धीरे। अब देखती हूँ क्या बनाती हूँ। तो देखिए मैं आ गई हूँ किचन में, और मैंने कुछ तैयारी कर कर रख ली है पहले ही, और मैं बना रही हूँ मटर पुलाव। ये तो आप समझ ही गए होंगे देखकर। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज काट कर रख ली हैं, जो ज़्यादा बारीक नहीं काटी हैं, और 2 बड़े टमाटर हैं, 3-4 हरी मिर्च काट ली हैं, छोटी छोटी हरी मिर्च थी, और थोड़ी सी गोभी ली हैं, 2 मीडियम साइज़ के आलू, और बहुत सारी मटर, मटर थोड़ी ज़्यादा डालूंगी। और गोभी आप अवॉइड कर सकते हैं, इसकी जगह आप कोई भी सब्ज़ी ले सकते हैं, चाहे बीन्स हो या गाजर हो, मतलब कुछ भी इस तरह की सब्ज़ी आप डाल सकते हैं इसमें, जो आपको पसंद हो। तो यहाँ मैंने कुकर चढ़ा लिया है, और उसमें 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल लिया है। तेल गर्म होने पर मैं इसमें थोड़ा सा हींग डाल दूँगी, और हींग के बाद 1 चम्मच जीरा, थोड़ा सा जीरा होने के बाद फिर इसमें डाल दूँगी मैं प्याज और लहसुन। अदरक मैं इसमें कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैं पुलाव में लहसुन नहीं डालती, या मतलब खिचड़ी में, खिचड़ी हो या पुलाव, उसमें मैं लहसुन नहीं डालती, हम लहसुन कम ही खाते हैं। तो यहाँ अब हल्का सा प्याज भून लूँगी, देखिए इस तरह से चलाते हुए। तो यहाँ मैं प्याज को भून लूँगी, और मैं पूरे परिवार के लिए बना रही हूँ, बस ये पुलाव ही बनाऊँगी आज डिनर में, और ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। इनसे पूछती हूँ, अभी तो ये नहीं आए हैं, 1-2 रोटी सेकनी होगी तो इनकी रोटी सेक दूँगी मैं, क्योंकि दाल रखी हुई है, जो मैंने इनकी दोपहर दाल बनाई थी वही रखी हुई है, बाकी सब तो पुलाव खा लेंगे। तो देखिए यहाँ प्याज के ऊपर कलर आने लगा है, भुनने लगी है हल्की सी प्याज, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी सूखा धनिया।
तो यहाँ मैंने एक बड़ा चम्मच, मतलब जैसे पुलाव के हिसाब से ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, तो थोड़ा सा धनिया पाउडर मैंने ज़्यादा डाला है। अब इसको मिक्स करने के बाद इसमें डाल दूंगी मैं टमाटर और हरी मिर्च जो मैंने काट के रखे हैं ये वाले, और टमाटर भी इसमें पुलाव में ज़्यादा बारीक नहीं काटने हैं क्योंकि इसमें इतना महीन सा पेस्ट हमें नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरे से ही टमाटर चाहिए। थोड़े पीस पीस आएंगे ना पुलाव में तो थोड़ा सा कलरफुल लगता है, अच्छा लगता है। अब मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक टेस्ट के हिसाब से डाल दिया है टमाटर डालने के बाद। अब इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी और हल्का सा इसको पका लूंगी, मतलब बस टमाटर हल्के से हमारे सॉफ्ट होने चाहिए, उतना ही पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं। तो देखिए टमाटर के ऊपर कलर आ गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी सब्जी, जो ये जो भी सब्जी मुझे डालनी है वो सब इसमें डाल दूंगी और अच्छे से मसाले को इसके ऊपर कोट कर लूंगी। मसाला अच्छे से सारी सब्जी के अंदर चला जाना चाहिए, तभी फ्लेवर अच्छा आएगा। और अब मैंने इसमें डाल दिए हैं चावल, जो कम से कम आधा पौना घंटा मैं पहले भीगे हुए हैं, मैंने पहले ही भिगा कर रख दिया था, उसके बाद मैंने पूजा वगैरह की है। और अब मैं इसमें गर्म पानी डाल दूंगी, गर्म करके रख लिया था मैंने पानी, क्योंकि फिर ठंडे में देर लगती है। तो यहाँ जिस हिसाब से मैंने चावल लिए हैं, मतलब एक गिलास में एक गिलास और एक घूंट के करीब मैंने पानी डाला है, क्योंकि सब्जियाँ भी हैं उनके हिसाब से, तो उस हिसाब से मैंने पानी डाला है। और अब हल्का सा डाल दिया है मैंने इसमें गरम मसाला। तो अब मैं कुकर का ढक्कन लगा दूंगी और जब सीटी आने को हो, बस आने वाली हो, मतलब लगने लगे कि सीटी आने वाली है, तभी मैं इसको बंद कर दूंगी। तो देखिए पुलाव तैयार हो गया है और एकदम खिला खिला पुलाव बना है, वेजिटेबल पुलाव। कितनी सारी मटर है इसके अंदर, क्योंकि ज़्यादा मटर डाली है मैंने, मटर काफ़ी सारी रखी हुई थी। देखिए कितना खिला खिला पुलाव बना है, देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा पुलाव बना है और टेस्टी भी बना है। तो अब करते हैं सर्व, फटाफट से सबको दे देंगे, बस जल्दी आज मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। देखिए पुलाव के ऊपर डाल दिया है मैंने खूब सारा घी, आप घी से खाएं, दही से खाएं, जिससे चाहें खा सकते हैं, घी से तो इसका टेस्ट अलग ही आता है। तो लीजिए आप भी खा लीजिए। सारा काम खत्म हो चुका है मेरा और मैं कर रही हूँ तैयारी। सुबह जैसे मैंने पहले बताया था कि रात को ये तैयारी करके रख लेती हूँ मैं पूजा के सामान की, तो बस वही कर रही थी। यहाँ पर मैंने दिए वे लगा दिए हैं, दिए मेरे शाम को ही आए थे घर पे, दिए खत्म हो रहे थे तो फिर मैंने उनको धुला। देखिए इस तरह से धुल कर सुखा लिया है, अब मैंने इसमें लगा लिया है जैसे यहाँ घी बत्ती दिए तिलक का सामान जो भी है। देखिए इस तरह से इसमें मैंने घी और बत्ती रख लिया है, तिलक का सामान रख लिया है और दिए वगैरह सब रख लिए, और जो बाकी है मैंने इसमें रख दिया है। तो इस तरह से होती है मेरी तैयारी, और कपड़े वपड़े भी निकल गए हैं, देखिए इधर साड़ी भी पड़ी है मेरी। तो सारी तैयारी हो गई है, अब बची है नेल पेंट लगानी, वो अभी रात में लगाऊंगी मैं, चूड़ी उड़ी सुबह ही पहन लूंगी। तो आप लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, कैसी तैयारी हो रही है आपकी बताइएगा मुझे, कैसे कैसे मनाई आपने होली। तो कल तो मैं वीडियो डालूंगी यार ये वाला जो है होली वाले दिन, मतलब होली का दहन वाले दिन, और जो फाग वाली होली है मतलब खेलने वाली, उसका मैं अभी कह नहीं सकती क्योंकि कल पता है आपको पूरा दिन बाहर रहूंगी, फिर उसके बाद मुझे आने के बाद मतलब मैं एडिटिंग वगैरह कर पाऊंगी वीडियो या नहीं कर पाऊंगी, वॉइस डालना है, और पूरा दिन इधर उधर घूमते हुए ना पूरे थक जाएंगे हम शाम तक, तो वो तो मैं नहीं कह सकती। कल के और परसों के लिए, दोनों दिन के लिए आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से। बस यही चाहूंगी कि सबके यहाँ खुशहाली हो, बहुत अच्छे से सबकी होली मने, सब त्योहार अच्छे से हों। तो बस अब करती हूँ वीडियो का एंड, काफी टाइम हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो मेरी या कोई भी बात
थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे परिवार का हिस्सा बन जाना। आप मेरी एक बहुत अच्छी फैमिली बन गए हो, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक एक लाइक भी दे दिया करें, अच्छा लगता है। और कमेंट करके बताइएगा कि किसने होली पर कैसे एंजॉय किया। तो बस मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।